Good morning, all of you. Welcome to Alphaius Academy. I hope you all are doing good and having a great life. And today we are at the lecture number 4, and we shall be discussing about the indigenization of technology and developing new technologies, how the technology is developed over time from ancient India, then to medieval India, and then at the modern India, how the subject got split up, कैसे नई नई fields बनी, कैसे एंशियंट इंडिया की आज जो नॉलेज है आज भी इस्तेमाल की जाती है. कुछ जो है साइंटिफिक बेसिस पे थी पहले की नॉलेज, कुछ जो थी थोड़ा सा रिलीजियस बेसिस पे थी. तो ये सब देखेंगे, लोगों ने कितनी बुक्स रखी, कैसे जो बाहर के कल्चर्स हैं उनका क्या इफेक्ट रहा भारतीय या इंडियन टेक्नोलॉजी पे, वो सब आज हम देखेंगे. दस बिगनिंग फ्रॉम दी एस्ट्रोनॉमी. एस्ट्रोनॉमी देखो यार, एस्ट्रोनॉमी बेसिकली बहुत पुरानी है हमारे देश में. हम लोग आप लोग आज भी हॉरोस्कोप मैचिंग करते होंगे ना, है ना, जलम पत्री वगैरह मिलाते होंगे. ठीक है भाई, हॉरोस्कोप मैचिंग में क्या होता है, यही तो होता है हॉरोस्कोप मैचिंग, कि भाई जलम पत्री मिलवा लेते हैं, है ना, देख लेते हैं. तो उसमें क्या देखते हैं आप, प्लैनेट्स चेक करते हैं, भाई इसका शनि भारी है या राहु भारी है. तो मतलब ये चीज़ क्या दर्शाती है, मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उसमें आप बिलीव करें, मेरा उससे कुछ नहीं है. जो भी चीज़ साइंटिफिक है, आई एम अ मैन ऑफ साइंस एंड शुड ऑलवेज बिलीव इन साइंस, बट देन आदमी की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं एंड आई रिस्पेक्ट दैट. बट देन मेरा ये कहने का मतलब है कि लोगों को प्लैनेट्स की नॉलेज पहले से थी, मतलब मंगल भारी है, मतलब मार्स की नॉलेज उनको थी कि मार्स एक प्लैनेट होता है. बट देन ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज थी या ये जो कंजर्वेटिव आउटलुक था, इसको आके चेंज किया हमारे आर्यभट्ट जी ने. ठीक है, आर्यभट्ट जी ने क्या किया कि आर्यभट्ट जी ने एक बुक लिखी आर्य भाटिया. ठीक है, उसमें उन्होंने बेसिकली प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस किया, प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस किया, मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स कैसे होते हैं. ठीक है, प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन देखिए कौन सा प्लैनेट कैसे देखता है. इक्लिप्सिस के बारे में उन्होंने बात करी, सोलर इक्लिप्सिस एंड लूनर इक्लिप्स की, कैसे जो है चंद्र ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, ये सब की बात की गई. एंड यू नो इट वॉज आर्यभट्ट हु गिव द साइंटिफिक आउटलुक टू द एस्ट्रोनॉमी. उन्होंने वो कंजर्वेटिव वैदिक आउटलुक से निकाल के साइंटिफिक आउटलुक दिया, किसको, एस्ट्रोनॉमी. ठीक है, अब मैथमेटिक्स की बात करते हैं. देखो हम लोग जो है मेजरमेंट्स तो हमें पहले से आती थी, ठीक है, मेजरमेंट करने में और ज्योमेट्री हमें ये सब पहले से आती थी, और ये इसकी नॉलेज जो है बहुत प्राचीन काल से भारत में चली आ रही है. बट देन इम्प्रूव क्या हुआ, जैसे एक अपस्तंभा थे, अपस्तंभा लगभग लगभग सेकेंड सेंचुरी के अराउंड थे, उन्होंने जो आपके एंगल्स दिए, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, है ना, राइट एंगल, इन सब की बात की. फिर आपका जो और इम्प्रूवमेंट हुई, तो और इम्प्रूवमेंट के बाद आपका नोटेशन सिस्टम आ गया. ठीक है, नोटेशन सिस्टम आ गया, आपका डेसिमल सिस्टम आ गया. ठीक है, आपका जीरो का यूज आया. देखो यूज ऑफ जीरो है ना, होगा भारत ने दिया जीरो दुनिया को. ठीक है, इट वॉज द इंडिया हु गेव जीरो टू द वर्ल्ड, एंड इट वॉज द अरब्स, यू नो अरब्स की जो मैथमेटिकल नॉलेज है, जो न्यूमेरिकल नॉलेज है, वो भारत से ही जाती है. वही जो वेस्टर्न में आज हम भारत का यूज देखते हैं, इट वॉज द अरब्स हु टुक द नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स फ्रॉम इंडिया टू द वेस्टर्न नेशन. ठीक है, तो ये थी बात मैथमेटिक्स की. ठीक है, उसके बाद उसका यूज किया गया टाइम में, कॉस्मोलॉजी में. देखो हर जगह ही मैथ्स का यूज है, तो उसको फिर वेरियस फील्ड्स में भी उसका यूज किया गया. नाउ मेडिसिन की बात करते हैं. देखो मेडिसिन के जो दो बहुत बड़े सेंटर थे, वो थे एक था तक्षशिला और एक था वाराणसी. ठीक है, उसके बाद दो बॉस तो मैंने आपको बता ही रखे हैं, दो, एक आपके चरक द फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, एंड एक आपका सुश्रुत. उन्होंने लिखी सुश्रुत संहिता, ठीक है, विच इज अ बुक ऑन सर्जरी. चरक ने क्या लिखी, चरक संहिता, विच वॉज अ बुक ऑन मेडिसिन. इसमें बेसिकली बहुत सारी बीमारियों के बारे में बताया गया. ठीक है, एंड इट वॉज मोर इन द चाइनीज रीजन, चाइना में, आपका साउथ ईस्ट एशिया में, जहाँ पे कि हमारी मेडिसिन की नॉलेज हल्के हल्के फैली थ्रू ट्रांसलेशन. जो वहाँ के लोग आए, उन्होंने नॉलेज यहाँ सीखी और उसको ट्रांसलेट किया, और ट्रांसलेट करने के बाद वो उन्होंने अपने देश में अप्लाई करी. ठीक है, ऐसे ही अभी हम देखेंगे जब आपके दिल्ली सल्तनत आएगी, जब मुगल रूलर्स आएंगे, इस्लामिक जब रूल आएगा भारत में, तब देखेंगे कैसे ग्रीक नॉलेज जो है भारत में का जो इंडिजीनियस मेडिकल सिस्टम था या मेडिसिन था, उसको इफेक्ट करती है. इट वॉज यू नो आज के टाइम पे हम जब
इस्लामिक कल्चर आया, तो उसने क्या किया, ग्रीक और इंडियन को मिक्स कर दिया, ठीक है। और उस टाइम पे जो है ग्रीक प्लस इंडियन बहुत चलती थी, ठीक है, उसमें बुक्स भी लिखी गई। देन मेटलर्जी, देखो भाई मेटलर्जी क्या है कि मेटलर्जी तो आप चले जाएं तो सबसे पहले आप आईबीसी चले जाएं। आईबीसी क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब उन्हें क्या था कि आप उनके मेटलर्जिकल आर्टिफैक्ट्स देख सकते हैं, ठीक है। उन्हें फर्मेंटेशन का पता था कि कैसे फर्मेंट करते हैं ग्रेन्स को, फ्रूट्स को, लेदर बनाना, लेदर को टैन कैसे किया जाता है। डाइंग उन्हें आती थी, ठीक है, डाइंग उन्हें आती थी। और वेरियस थिंग्स देख सकते हैं आप, जो आईबीसी से जो जो आर्टिफैक्ट्स आपको टॉयज वगैरह मिलते हैं उससे आप देख सकते हैं, उनको मेटलर्जी की नॉलेज थी। और क्या, कहाँ कहाँ आपको मेटलर्जी की नॉलेज दिखती है, एक आयरन पिलर जो है आपका मैरोली में, दिल्ली में, वो आज भी रस्ट नहीं हुआ है। तो मतलब लोगों को एलॉय बनाना आता था, क्योंकि वो किसी प्योर एक आयरन का नहीं बना हुआ, आयरन तो रस्ट हो जाता, वो किसी पर्टिकुलर एलॉय का बना हुआ। देन डाइंग उन्हें आती थी, ठीक है। फिर पेंटिंग आती है, फ्रेस्को पेंटिंग अगर आप देखेंगे, अजंता की फ्रेस्को पेंटिंग देखेंगे, ठीक है, उसका कलर फेड हुआ है टाइम के अकॉर्डिंग, बट देखिए आप लोगों की कितनी नॉलेज थी कि आज भी उसका कलर थोड़ा सा दिखता है हजारों साल के बाद भी। देन एक हमारे सुल्तानगंज में आपका बुद्धा का इमेज या स्टैच्यू मिली थी, ठीक है, वो भी आपका ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज की बनी हुई थी, ठीक है। मतलब लोगों को मटेरियल मेटलर्जी की नॉलेज थी, उसी से वो कास्ट करते थे। आईबीसी के टाइम पे आपका कास्टिंग मेथड क्या था, कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। कास्टिंग मेथड क्या करते थे, वो ऐसे मोम का बनाते थे, पहले पहले एक ढांचा बनाते थे, फिर उसे बेक करते थे, बेक करने के बाद उसके अंदर मोम डालते थे, और फिर जो है उसके ऊपर से आपका उबलता हुआ मेटर डालते थे, और नीचे से मोम निकल जाता था, ठीक है। अब इस मेथड को कहते कहते आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, जब आईबीसी पढ़ाएंगे तब तो बताएंगे आप। देन ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी थोड़ा सा हमारा सब्जेक्ट जो था कमजोर था, इंडियंस के पास बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी ज्योग्राफी की। हमारे पास जो ज्योग्राफी का नॉलेज थी वो जो बाहर से ट्रेडर्स आते थे वही देते थे। अब वो कैसे पता लगा हमें, अब हम चले 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 चलते हैं लोथल। लोथल कहाँ है, गुजरात में, ये क्या है, मैरिटाइम हेरिटेज साइट भी है। यहाँ पे क्या पाया गया था, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, आईबीसी या हड़प्पन साइट है ये, ठीक है। और यहाँ पे डॉक यार्ड पाया गया है, बहुत बड़ा डॉक यार्ड है ये, तो मतलब यहाँ पे शिप्स आके लगती थी, तो बाहर के जो लोग आते थे वो आके बताते थे हमें कि भैया ऐसे ऐसे यहाँ पे जो है, वहां से आप आना तो से आपको रास्ता मिलेगा। हमारे यहाँ जो ज्योग्राफी की जो नॉलेज हुई है वो मिडिविल इंडिया में हुई है। तो मिडिविल इंडिया में क्या हुआ कि आपका कॉन्सेप्ट आया किसका, तीर्थ का, ठीक है, तीर्थ का कॉन्सेप्ट आया, या तीर्थ यात्रा का कॉन्सेप्ट आया आपका, ठीक है। तो क्या हुआ कि लोग इधर उधर जाने लगे, अब जब जाने लगे तो नए नए रास्ते खोजने लगे, जब खोजने लगे तो लोगों को ज्योग्राफी का पता लगने लगा, जब पता लगने लगा तो उसको डॉक्यूमेंटेड किया गया, जब उसे डॉक्यूमेंट किया गया तो कहाँ लिखा किया गया, पुराणास में डॉक्यूमेंट किया गया। इसी से बने हमारे कुछ स्थल पुराण, जिसमें स्थलों के बारे में बताया गया है, मतलब प्लेसेस के बारे में बताया गया, ठीक है। अब बात करते हैं मिडिवल इंडिया में, देखो मिडिवल इंडिया मतलब लगभग लगभग 11वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी टू 18th सेंचुरी, ठीक है। 18th सेंचुरी मतलब 100 समथिंग से 700 समथिंग। अब क्या हुआ कि यहाँ पे आपका दो टाइप का इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है, एक तो इस्लामिक इन्फ्लुएंस आ जाएगा, और इस्लामिक इन्फ्लुएंस से और जो अटैक्स होंगे उससे यूरोपियन इन्फ्लुएंस आएगा। जैसे दो ब्रदर थे, एक शेख अब्दुल्ला एक शेख अजीजुल्ला, वो क्या थे, रैशनल साइंटिस्ट के स्पेशलिस्ट थे। फिर हमारे पास एक समथिंग विल कम एज कारखाना, ठीक है, कारखाना क्या है, कारखाना स्टैंड फॉर वर्कशॉप। भाई कारखाना में क्या होता था, जो आज के टाइम पे अगर आप स्किल इंडिया प्रोग्राम करेंगे तो आज के टाइम पे वो कारखाने में होगा, ठीक है। कारखाना मतलब वर्कशॉप, वहां पे क्या होता था, टिक वोकेशनल, एक तो वो दो एक दो तीन तरीके काम करते थे, वो एक तो वो सामान बनाते थे, उसके बाद वो सामान वो रॉयल हाउसहोल्ड में सप्लाई करते थे। वहां पे जो है यंगस्टर आते थे, उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग भी होती थी, ठीक है, उनका स्किल डेवलपमेंट भी होता था, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें थी जो मुगल शासन के दौरान बदली या आई, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें अर्थ, बहुत सारी चीजें थी उन पर ज्यादा ध्यान दिया गया, जैसे अर्थमेटिक, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, अकाउंटेंसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर, ये सब भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह जो थे नए सब्जेक्ट थे उस टाइम के, ठीक है। तो ऐसी बात करते हैं बायोलॉजी की। भाई बायोलॉजी में क्या हुआ कि सबसे इंपॉर्टेंट उस एक बुक आई मृगा, यह हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले, पासी शास्त्र, ये किसने दी थी आपका, हमसा देवा ने, ठीक है, हमसा देवा ने, लगभग लगभग 13th सेंचुरी में दी थी उन्होंने। और इसमें उन्होंने बीस्ट एंड बर्ड्स के बारे में बताया था, बीस्ट एंड बर्ड्स के बारे में बताया था, ठीक है। ऐसे ही हमारे जहांगीर भैया ने क्या लिखी, द्रोणाचार्य
ए जहांगीरी, ठीक है, तुजुक इन जहांगीरी में किसके बारे में बताया, फीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में, ठीक है। ऐसे ही जहांगीर के कोर्ट में एक स्पेशलिस्ट थे मंसूर भैया, उन्हें प्लांट की बहुत नॉलेज थी, ठीक है, प्लांट्स उगाते थे वो, प्लांट्स की बहुत नॉलेज थी उन्हें, ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई। देन मैथमेटिक्स की बात करें मिडिवल इंडिया के टाइम पे, तो भाई दो आदमी को याद करना तो बहुत जरूरी है। एक ने हमें बुक दी गणित सारा, गणित सारा किसने लिखी थी, श्रीधारा ने, ठीक है, और एक दी लीलावती पे, लीलावती किसने दी थी, भास्करा ने। ये लीलावती जो बुक है ना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कॉमेंट्री भी आएंगी। जैसे एक कॉमेंट्री आई थी इसके ऊपर, गणेश दाईवाजना, ये किसने लिखी थी आपकी, बुद्धि विलासनी ने, ठीक है, बुद्धि विलासनी ने ये बुक लिखी थी, ठीक है। और वैसे ही बेसिकली और एजुकेशन सिस्टम आया, अर्थमेटिक पे काफी ज्यादा ध्यान दिया गया, मैथमेटिक्स को प्राइमरी एजुकेशन में इंक्लूड किया गया, ठीक है, मुगल्स के टाइम पे अकबर का मैथमेटिक्स पे बहुत ज्यादा ध्यान था। देन बात करते हैं केमिस्ट्री की। देखो केमिस्ट्री में क्या है कि केमिस्ट्री में देखो सबसे जो पहली वो आया था वो था पेपर मेकिंग। अगर आप आज भी अगर आप मैसूर चले जाएंगे और टीपू सुल्तान की फैक्ट्री वहां पे हुआ करती थी उस टाइम में, ठीक है, टीपू जी की सुल्तान की फैक्ट्री हुआ करती थी, वहां पे बड़ा अच्छा पेपर मिलता था। बस जो फर्क होता था पेपरों में, बस होता था कि वो कैसे उसको बना रहे हैं। वहां पे हमारे पास गोल्ड प्लेटेड पेपर भी मिले हैं उस टाइम पे, ठीक है। देन अगर हम आईने अकबरी पढ़े, आईने अकबरी पढ़े, अगर आईने अकबरी किसके बारे में, अकबर के बारे में, तो उसमें हमें एक पता लगेगा, देयर वॉज परफ्यूम ऑफिस ऑफ द अकबर। भाई परफ्यूम किससे बनते थे, आपके केमिकल से, ठीक है। ऐसी अभी आप कोई भी रिश्तेदार या दोस्त दुबई या मिडिल ईस्ट में कहीं जाता है तो वो जरूर वहां से इत्र जरूर लेके आता है या परफ्यूम लेके आता है, तो उनका जो मतलब परफ्यूम या इत्र बनाने का तरीका था वो बहुत अलग था, ठीक है, और वो वर्ल्ड फेमस था उस टाइम पे। आज के टाइम पे तो इटली वगैरह यूरोपियन परफ्यूम्स ज़्यादा फेमस हैं, बट देन उस समय जो है जो मुगल्स के अंडर जो थे परफ्यूम्स बहुत फेमस थे, ठीक है, और स्पेशल डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे और परफ्यूम बना करते थे, ठीक है। देन एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो एस्ट्रोनॉमी में क्या हुआ, एक तो फिरोज शाह तुगलक जी, तो फिरोज शाह तुगलक जी थे, उन्होंने एक आपका एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाया, ठीक है, ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाया स्काई को देखने के लिए, हाँ, दिल्ली में। ऐसे ही एक फिरोज शाह भामनी थे, उन्होंने जो है बेसिकली दौलताबाद में एक ऑब्जर्वेटरी बनाई, ठीक है। और एक खास बात ये थी मिडिवल इंडिया में कि सोलर एंड लूनर कैलेंडर दोनों यूज होने लगे थे, ठीक है, सोलर एंड लूनर कैलेंडर दोनों यूज होने लगे थे, ठीक है। एक महेंद्र सूरी जी थे, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है, ये क्या करते थे, यंत्र बनाते थे बहुत सारे, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स बनाते थे बहुत सारे। एक इन्होंने इंस्ट्रूमेंट बनाया था यंत्र राजा, ठीक है। ऐसे ही परमेश्वरा थे, महाभास्करिया थे, ये एस्ट्रोनॉमर्स थे, एल्मैक मैटर्स थे, ठीक है, एल्मैक मैटर्स मेकर्स थे, ठीक है। अब बात करें अगर हम मेडिसिन की, देखो मेडिसिन में क्या है कि पल्स और यूरिन देख के उस टाइम बता दिया जाता है कि आदमी हेल्दी है या नहीं है, तो वो तो आज भी बता सकते हो आप, है ना। क्या होता है कि अगर आपका यूरिन पेल येलो है तो मतलब आप डिहाइड्रेटेड है, हो सकता है आपको बुखार हो। ऐसे ही पल्स एंड यूरिनेशन के अलग अलग मापदंड लेके उस टाइम पे जो है बेसिकली एग्जामिनेशन, बॉडी का एग्जामिनेशन किया जाता कि था कि यू आर ऑल राइट और नॉट, ठीक है। ऐसे ही एक बुक आई आपकी सरंग सरंग धारा संहिता, जिसने क्या बताया भाई, यूज ऑफ ओपियम बताया इन मेडिसिन, ठीक है, किसी और के बारे में नहीं, बट देन यूज ऑफ ओपियम इन मेडिसिन। देन एक रासा चिकित्सा सिस्टम आया, चिकित्सा सिस्टम, ठीक है, हिंदी बड़ी कमजोर हो गई आजकल हम लोग, जिसने क्या बताया कि आप जो है मिनरल मेडिसिन का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसने क्या बताया आपको, मिनरल मेडिसिन का इस्तेमाल, ठीक है। ऐसे ही आपका एक अली बिन रम्मान थे, उन्होंने क्या किया, ये बड़े फेमस नाम है अली बिन रम्मान, भाई अली बिन रम्मान ने क्या किया था कि मैंने आपको बताया ना ग्रीक मेडिसिन सिस्टम लेके आए थे, तो ग्रीक को इन्होंने क्या किया, मिक्स किया इंडियन के साथ, और एक बुक थी फिरदौसी हिकमत, उसके बाद उसमें जो है वो पूरा वर्णन उन्होंने लिख दिया, ठीक है। आपका यूनानी मेडिसिन सिस्टम जो था ये आपका मिडिवल इंडिया में आया, ठीक है। देन आपके फिरोज शाह तुगलक थे, उन्होंने एक बुक लिखी, भाई फिरोज शाह तुगलक ना भले उन्होंने गलतियां कितनी भी की बट ये तो वेरी ब्रिलियंट मैन, अगर आप पढ़ोगे ना उनके बारे में तो बहुत सारी चीजें करते रहते थे वो, ठीक है, पर उन्होंने बहुत सारी गलतियां भी करी जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा सा अच्छा प्लेस नहीं मिल पाया,
ठीक है, उन्होंने क्या लिखा, टिब्बे फिरोजशाही लिखी। तो बेसिकली बहुत सारी बुक्स आई, टिब्बे फिरोजशाही में बेसिकली आयुर्वेदा का भी वर्णन है और वैदिक मेडिसिन के बारे में वहां पे उसमें वर्णन किया गया है। देन एग्रीकल्चर की बात करते हो, एग्रीकल्चर में ना ज्यादा कुछ नहीं हुआ। देखो वेल टैंक्स और पानी वगैरह तो निकल ही रहा था जिससे ऑक्सन बैल वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था, बट देन दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई आपका मिडिवल इंडिया में। एक तो आपका लैंड मेजरमेंट और एक आपका लैंड क्लासिफिकेशन, ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थी। ठीक है, एक तो लैंड मेजरमेंट सिस्टम पे बहुत ध्यान दिया गया और एक लैंड क्लासिफिकेशन, ये बंजर है, ये उपजाऊ है, ये फर्टाइल है, ठीक है, इस टाइप से जो है क्लासिफिकेशन की गई। ठीक है, अब बात करते हैं मॉडर्न इंडिया की। देखो मॉडर्न इंडिया में क्या था, हमारा देश आजाद हुआ तो जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे उन्हें समझ में आ गया कि ठीक है यार देखो हमें तो बहुत जरूरी है कि हमें टेक्नोलॉजी के लिए डेवलप करना ही है। इसलिए सेकेंड 5 ईयर प्लान में देर वॉज अ ह्यूज एम्फेसिस ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया, इसलिए 1971 में डीएसटी बनाया गया, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी बनाया गया, और ऐसे सिमिलर स्टेट काउंसिल बनाया गया स्टेट लेवल पे। ठीक है, सबसे पहले जो अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, भाई एग्रीकल्चर में क्या हुआ, एग्रीकल्चर में देखो हम क्या थे, डिपेंडेंट थे किस पे, बाहर पे। फिर हमने लाइक ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने क्या किया, HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लाए, फर्टिलाइजर लाए, हमने जो है इंडिपेंडेंट हो गए हम खाने के मामले। आज हम जो है इंडिपेंडेंट है खाने में, हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं, आज हम एक्सपोर्ट करते हैं। इसमें बहुत बड़ा हाथ किसका था, ICAR का। ठीक है, देन बात करें इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री नीड्स, भैया इंडस्ट्री लगानी थी तो इंडस्ट्री की नीड्स थी, वहां पे टेक्नोलॉजी चाहिए थी, तो उसमें आपका आपका CSIR, दैट इज काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, आपका DRDO, ठीक है, अभी ये आज भी आपका DRDO देखो आपका कितने आपकी मिसाइल्स बनाता है, कितने UAVs बनाता है, आज भी क्या है इंडस्ट्रियल नीड्स को मीट कर रहे हैं, मेट कर रहे हैं। ठीक है, देन न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी क्या था कि न्यूक्लियर एनर्जी, द लेट यू नो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर कलाम सेड दैट दी फ्यूचर ऑफ और दी इंडियन द फ्यूचर ऑफ इंडियन एनर्जी और दी इंडियन एनर्जी इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लाइज इन न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, वो हमें लाना ही लगना है भाई, 150 करोड़ लोगों का देश है, हमें उन्हें एनर्जी तो देनी है ना, अब एनर्जी देनी है तो कहीं से तो लाएंगे। अब ये कितने डैम बना देंगे और कितना कोयला जला लेंगे, कोयला वैसे ही नहीं बचा, इन्वायरमेंट को खराब करता है, तो न्यूक्लियर लगाना बहुत जरूरी हो गया था। इसलिए आज के टाइम पे न्यूक्लियर एनर्जी पे बहुत ज्यादा ध्यान है, क्योंकि क्लीन एनर्जी है और छोटे से सेटअप में बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, बट देन उसके अपने रिस्क है, रेडिएशन लीक हो जाए, कुछ कुछ हो जाए, तो उसी को देखते हुए तो आज का काम नहीं है। 1948 में ही AEC, दैट इज एटॉमिक एनर्जी कमीशन, स्टैब्लिश कर दिया गया था, जिसने बहुत सारी चीजें करी न्यूक्लियर साइंस की फील्ड में। उसके बाद आपका 1957 में BARC स्टैब्लिश किया गया, BARC क्या है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये ट्रॉम्बे है ना, BARC किसके नाम पे रखा गया है, आपके होमी जहांगीर बाबा। अगर आपको और जानना है तो, अगर सीरीज देखने का शौक है तो एक नेटफ्लिक्स पे नहीं है, सोनी लिव पे है, ठीक है, रॉकेट बॉयज, रॉकेट बॉयज देख सकते हैं आप, जिसमें विक्रम साराभाई एंड होमी जहांगीर बाबा की दोस्ती और उस समय इंडियन स्पेस प्रोग्राम एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम कैसे डेवलप हुआ, एंड देयर इज अ लिटिल यू नो टिंज ऑफ डॉक्टर कलाम ऑल्सो देयर, ही वॉज वेरी यंग अंडर दी सारा विक्रम साराभाई, एंड यू नो विक्रम साराभाई वॉज द गुरु ऑफ डॉक्टर कलाम। ठीक है, उसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें तो देखो यार इसरो ने बहुत तगड़ा काम किया, 1970s में इसरो बनाया गया, एंड यू नो इट वॉज द इसरो हु यू नो पुट अस ऑन द पाथ ऑफ साइंस, रिलायंस इन द यूज ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। हमारी जो फर्स्ट सेटेलाइट थी वो आर्यभट्ट थी, पहले हम लोग जो है बेसिक 1975 में बेसिकली हम लोग पहले रशिया से अपने सेटेलाइट छोड़ा करते थे, और करते 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 आज हम दूसरे लोगों की सेटेलाइट छोड़ते हैं, एंड दैट इज द काइंड ऑफ नो डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन वी हैव डन इन दी स्पेस सेक्टर। और सैटेलाइट जैसे भास्कर 1, भास्कर 2, SLV 3 रॉकेट बनाया हमने, हमारा इनसैट थी जो कार्टोग्राफिक सैटेलाइट थी, तो बेसिकली बहुत सारा काम हुआ है स्पेस टेक्नोलॉजी में भी। अब ये सब क्या है, ये सब मॉडर्न फील्ड्स, अब स्पेस टेक्नोलॉजी मटेरियल और उस समय नहीं थी, ठीक है, वहाँ पे एस्ट्रोनॉमी थी, और देन एस्ट्रोनॉमी से ही निकल के एक फील्ड क्या आ गई, नहीं आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, देन बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। अब देखो आपने क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी क्या हुआ कि सेमीकंडक्टर्स की कमी हो गई, आज के टाइम पे अगर आपको गाड़ी चलानी है या गाड़ी बनानी है तो सेमीकंडक्टर्स आपको जरूरत है। क्या हुआ कि प्रोडक्शन रुक गया, या गाड़ियों का, गाड़ियां आई नहीं, गाड़ियां महंगी हो गई, देर वॉज अ ह्यूज स्लम इन दी ऑटोमोबाइल सेक्टर बिकॉज ऑफ, जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, दैट इज सेमीकंडक्टर्स नहीं थे, और ये सेमीकंडक्टर्स आज भी हम लोग चाइना से बहुत ज्यादा ले रहे हैं। इसलिए ही जो दी इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर है उनका जो विजन है आत्मनिर्भर भारत का, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत का जो
विजन है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है कि हमें जो है बेसिकली अपने इक्विपमेंट्स खुद बनाने हैं, मोबाइल के लिए, टीवी के लिए, कम्युनिकेशन जो सेट्स हैं हमारे, पावर कंट्रोल सिस्टम से, न्यूक्लियर रिएक्टर, वो चाहते हैं कि हम सब जो है खुद ही बनाएं अपने यहाँ पे। और उसके लिए आप जैसे इंटेलिजेंट पीपल का वर्क लगेगा, जरूरी नहीं है आप यहाँ पे सिलेक्ट हो, आप बहुत सारे फील्ड से आते होंगे और बहुत अच्छा काम करते होंगे, आप उस फील्ड में जाके वहाँ पे भी एक्सेल कर सकते हैं, वो भी एक टाइप की देश सेवा है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप पर्टिकुलर सर्विस में आके या पर्टिकुलर चीज ही ज्वाइन करके देश सेवा कर सकते हैं। आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, आप देश के लिए कुछ भी कर रहे हैं, आप, मैं कह रहा हूँ कि आप 2 रुपए भी टैक्स दे रहे हैं, टैक्स नहीं भी दे रहे हैं, बट देना आप अपना काम ईमानदारी कर रहे हैं जिससे कि हमारा देश डेवलप हो रहा है, तो आप एक तरीके की देश सेवा कर रहे हैं। और देश सेवा कोई छोटी या बड़ी नहीं होती, हर व्यक्ति एक रिक्शे वाले से लेके एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट तक सब देश सेवा दे रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। देन मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। हम लोग पोलियो हम लोगों ने इरेडिकेट कर दिया, ठीक है, पोलियो प्रोग्राम चला के। हम लोगों ने स्मॉल पॉक्स बहुत होता था उसको हमने इरेडिकेट किया। बेसिकली हमारे यहाँ एंटिटीज बहुत होती हैं, दैट इज नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस, ये बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। और टीबी पे हमारा बहुत अच्छा रोकथाम चल रहा है, देन गोइटर, कैंसर, इन सब पे रिसर्च चलती रहती है। आज हमारे पास टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ टाटा कैंसर रिसर्च जैसे बड़े बड़े सेंटर हैं जो कैंसर रिसर्च चल रहा है। तो बेसिकली हम लोग एक लॉन्ग वे आ गए हैं, है ना। अभी हमने देखा वैक्सीन्स के मामले में, हमने अपनी तो नीड्स पूरी करी करी, पर देन हमने वर्ल्ड को भी सप्लाई किया। देखा आपने, अभी कन्वेंशन चल रहे थे, यूएन के फोरम चल रहे थे, वहां पे कितने सारे अफ्रीकन नेशंस के नेतृत्व या रिप्रेजेंटेटिव्स ने आगे कितनी भारत की तारीफ करी कि भाई भारत एक 1.4 बिलियन, 1.3 बिलियन का देश है। उन्होंने अपने लिए तो वैक्सीन करी बनाई बनाई, उन्होंने अपने जो व्यक्ति थे उन्हें तो वैक्सीनेट किया ही किया, बट देन उन्होंने औरों को भी सप्लाई करी। एंड यू नो दैट इज वर्ड द इंडियन कल्चर इज, दैट इज वर्ड इंडियन एथोस इज, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, दूसरों के बारे में भी सोचना है ना। ये देश, ये दुनिया जो है एक एक है, हम लोग की जो फिलोसफी है वो एक है, पीस में हम लोग बिलीव करते हैं। एंड यू नो दैट इज वट आई थिंक इज द इंडियन एथोस दैट बाइंड्स अस टुगेदर, एंड दैट इंडियन कल्चर एंड एथोस इज नॉट रिलेटेड इंडिपेंडेंट ऑफ एनी रिलीजन, कल्चर, क्रीड, वो कुछ नहीं है। आप इंडियन हैं और वो हमें आपस में बाइंड करता है, यही इंडियन एथोस, कि हम जो है सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, हम औरों के बारे में भी सोचते हैं। उसका बहुत क्लासिक एग्जाम्पल था हाउ वी सप्लाइड वैक्सीन टू दी अदर कंट्रीज लाइक कोविशील्ड, ठीक है। और हमने बहुत ज्यादा कोविशील्ड, कोवैक्सीन, कोवोवैक्स, कोवैक्स तो खैर यूएस का प्रोग्राम था, वो तो डब्ल्यूएचओ प्रोग्राम था, बट उसके अंदर हमने बहुत सारी, आज हमारे पास लगभग लगभग 7 से 8 वैक्सीन हैं, ओरल वैक्सीन हैं, इंजेक्टेबल वैक्सीन हैं, और कोई मजाक बात नहीं होता। इट वॉज अ वेरी बिग प्रोग्राम एंड यू नो दी गवर्नमेंट हैज डन ट्रिमेंडस वर्क, और को मतलब उसको सराहनीय कोई कहा जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। देन ओशन डेवलपमेंट की बात करें तो बेसिकली इंडिया का ओशन डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। एक तो हमें जो है ऑफशोर माइनिंग करनी है ऑयल की, ठीक है, क्यों हमारे अंदर ऑयल की कमी है। देन हमारे जो ओशनिक मिनरल्स हैं उसके लिए हमें माइनिंग करनी पड़ती है, जैसे पॉली मेटेलिक नोड्यूल्स जिसमें बहुत सारे मेटल्स निकलते हैं, बट देन ये बड़ा महंगा होता है, इसमें अभी भी बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई है। बट देन एक्सप्लोरेशन तो चलती रहनी चाहिए, एक इस पे आपकी ओशन डिप्लोमेसी भी होती है। हमारे 4 जहाज घूमते रहते हैं तो और भी देखते हैं कि यार नहीं भाई लोग घूम रहे हैं तो इन्हें ज्यादा परेशान ना करो, ठीक है। एक्सप्लोरेशन के बारे में हम लोग और काम भी कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको एक्सप्लोरेशन तो करनी ही करनी है, आपको ओशन डिप्लोमेसी भी बढ़ानी है, अपनी ओशन सिक्योरिटी भी बढ़ानी है, ठीक है। उसके लिए आपकी नेवी है, कोस्ट गार्ड है, हमारी रिसर्च के लिए एक अलग ब्रांच है, जैसे हमारे पास एक डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट है, जिसको कि 19